गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो वेलकम बैक टू योर EVS क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 23rd October 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 6। नेम ऑफ द चैप्टर नेचुरल क्लाइमेटीज। सो स्टूडेंट लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। सो इन द प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट वी हैव आई एक्सप्लेन यू द टू नेचुरल क्लाइमेटीज दैट इज द फ्लड एंड ड्रॉट। नाउ इन टुडे वीडियो वी विल स्टार्ट विद द अर्थक्वेक। ओके, so shaking of the land that is known as earthquake. So first of all student, to understand the earthquake, see first of all I explain you different layers of the earth and how the earthquake comes. First of all, what is the reason for the earthquake, that we understand. So see student, so this layer of the earth is known as core and this is very hard. Theek hai, okay, let us understand in this manner. Okay, now see so student, these are the different layers of the earth. Okay, okay, now see this is the core, inner core. This is the outer core. This layer is known as mantle and this layer is known as crust. Okay, so this inner core is very hard. ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है और यहाँ का टेम्परेचर जो बेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो सब आपकी इनर कोर है, ये दिस इज वेरी हार्ड, इनर कोर इज वेरी हार्ड। ठीक है, ये जो आपकी इनर कोर है इज वेरी हार्ड, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ठीक है, इस तरह देखो हमारे प्लैनेट की डिफरेंट लेयर है इनर और जो ये आउटर लेयर है, और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई है आपके कोर में, और जो आउटर कोर है बेटा, आउटर कोर इसमें इसका भी टेम्परेचर बहुत हाई है। रॉक्स, स्टोन्स, मेटल्स, दे आर ऑल इन द लिक्विड फॉर्म। ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में।
ठीक है, ये सब किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। मेंटल है, इसमें आपके रॉक्स पार्टिकल ये सब आ जाएंगे, चट्टानें आ जाएंगी। और सबसे ठीक है इनर कोर जो है बेटा, ये सबसे ज़्यादा हार्ड है इनर कोर। इनर को इनर कोर के बाद है आउटर, तो आउटर कोर है यहाँ का भी टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। इनर कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, आउटर कोर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि सारे रॉक पार्टिकल ये सब जितनी चट्टाने हैं और जितने मेटल्स हैं ये सब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद जो लेयर है हमारी वो है आपकी मेंटल, ठीक है जी। इसमें रॉक पार्टिकल्स ये सब आएंगे आपके मेंटल, और सबसे ऊपर वाली लेयर जो मैंने क्रस्ट बोली है इसी पे हम लोग रहते हैं, ये वो लेयर है जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सबसे हार्ड है आपका इनर कोर, ये पोर्शन सबसे स्ट्रांग है और यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है। सेकेंड लेयर जो है बेटा आपकी वो है आउटर कोर जो है यहाँ, ये जो आपकी आउटर कोर है, ठीक है, ये आपकी आउटर कोर है, ये इनर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, ठीक है। तो ये जो बेटा आपकी आउटर कोर है यहाँ भी टेम्परेचर बहुत हाई है, और यहाँ पे जितने भी मेटल्स हैं, रॉक्स हैं, ये सारे के सारे किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो लेयर है हमारी बेटा वो ये लेयर है जिसको हम लोग मेंटल की लेयर बोलते हैं, इसमें रॉक पार्टिकल्स ये सब हैं। और उसके बाद जो अपर लेयर है जिसको हमने क्रस्ट का नाम दिया, ये वो लेयर है जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। अपर लेयर जो वो लेयर है बेटा जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस लेयर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो ये देखो बेटा डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स जो, अब देखो ठीक है, ये जो इनर कोर है ये तो बहुत हार्ड है, और ये जो आउटर कोर है, ये सेकंड वाली आउटर कोर जो है, यहाँ पे भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी मेंटल और क्रस्ट है इनमें ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, क्योंकि आउटर कोर के ऊपर क्या है, मेंटल कोर है, मेंटल लेयर, ठीक है। तो और मेंटल के ऊपर क्या है, क्रस्ट जिसपे हम लोग रहते हैं। तो ये वाली जो है, ये जो आउटर कोर है बेटा आपकी, ये आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो आपके इसके ऊपर जो मेंटल और क्रस्ट है इनकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। ये टाइटेनिक अलग अलग प्लेट्स हैं, ये पूरी सिंगल एक प्लेट नहीं है बेटा, ये अलग अलग टुकड़े हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये सब अलग अलग टुकड़े हैं और इनकी क्या बहुत मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ये जो तुम्हारी आउटर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है तो मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, तो इस तरह से मेंटल क्या है, मेंटल फ्लोट कर रही है। किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, आउटर कोर पे फ्लोट कर रही है। और आउटर कोर किस फॉर्म में है बेटा, आउटर कोर आपकी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है और इसलिए मेंटल जो है इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, और मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, तो क्रस्ट की भी इसी वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन, ये कैसे होता है। अब इसको समझो कि ये होता कैसे है, अर्थक्वेक आता कैसे है, ठीक है। अब ये जो टाइटेनिक प्लेट्स हैं ऊपर, ये कोई सिंगल एक प्लेट नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग प्लेट्स हैं बेटा। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट होती है ये आपके आउटर पे, ठीक है, ये जो आपकी आउटर कोर है बेटा, यहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, चीज़ें लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो है हमेशा इसका लावा जो है ऊपर की ओर उठता रहता है, और फिर वो मेंटल से टकरा के कूल होके नीचे आता रहता है, ठीक है। तो यही जो इसका यहाँ से जो मतलब अर्थक्वेक की जो हलचल बोलते हैं, जो अर्थक्वेक जो स्टार्ट होता है उसका रीज़न जो छुपा है आपके आउटर कोर में, ठीक है, इनर और आउटर कोर में उसका जो रीज़न है बेटा, जो अर्थक्वेक आ रहा है उसका रीज़न जो है, मेन रीज़न आपका इनर और आउटर कोर है, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इनका टेम्परेचर क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये जो लिक्विड फॉर्म में जो लावा है, ये लिक्विड फॉर्म में ये हमेशा हीट होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण ये मेंटल की लेयर से टकराता रहता है,
ठीक है, और कूल होके फिर नीचे लावा नीचे हो जाता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ये क्या होता है, मेंटल के लेयर से टकराता रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, और जो मेंटल की लेयर है ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। आप बात समझे नहीं समझे मेरी, मेंटल की लेयर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, क्योंकि ये वाली लेयर जो है ये टोटली लिक्विड फॉर्म में है। तो अब मेंटल के ऊपर क्या है, क्रस्ट है, ये टाइटेनिक प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स कभी कभी क्या होता है, ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है, या तो ये प्लेट्स आपस में टकरा गई या तो ये आपस में रगड़ाती रहती हैं ये प्लेट्स, ठीक है, आपस में रगड़ाती रहती हैं या टकरा गई, मान लो एक इस तरह एक दूसरे के ऊपर हो गई, तो एकाएक जो नीचे से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसी से पूरा जो क्या होता है लैंड क्या कर लगता है, शेक करने लगता है। यही अर्थक्वेक का कारण होता है। अर्थक्वेक का रीज़न क्या है, इनर और आउटर कोर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है और जो मेंटल है ये इसके ऊपर है, लिक्विड जो मेंटल की आपकी कोर है ये फ्लोट कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आउटर कोर तो इसके ऊपर ये फ्लोट कर रही है, और मेंटल के ऊपर क्रस्ट की लेयर है, ये टाइटेनिक प्लेट्स हैं तो ये भी फ्लोट कर रही हैं क्योंकि मेंटल के ऊपर है। तो इसी कारण से ये कोई एक सिंगल प्लेट तो है नहीं, तो कभी कभी होता है ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर भी चली जाती हैं, ठीक है, कभी कभी ये प्लेट्स आपस से एक दूसरे से दूर भी चली जाती हैं, कभी कभी आपस में टकरा जाती हैं, रफ कर ऐसे एक दूसरे पे हो जाती हैं, तो अचानक से बहुत तेज, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है आउटर लेयर पूरी लिक्विड फॉर्म में है, तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है, जिसके रीज़न से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, यही रीज़न है आप लोग के अर्थक्वेक का, ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि बुक में तो डायरेक्ट दे दिया है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना के दिखा दिया, ये क्या है, इनर कोर है, और ये सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है अर्थ का, सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, और इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। फिर आपकी आउटर कोर है, यहाँ का भी टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि मेटल्स और रॉक्स किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और ये जब इतना हाई टेम्परेचर है कि लावा ऊपर की ओर उठता रहता है, तो ये क्या है, टकरा के किससे, मेंटल के लेयर से टकरा के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसी लावे के जो ये उठ रहा है, मेंटल के लेयर से टकरा रहा है, तो डैट इज़ द रीज़न मेंटल के लेयर के ऊपर क्रस्ट की भी लेयर है, तो क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं उनकी भी मूवमेंट हो रही है, तो डैट इज़ द रीज़न ये प्लेट्स आपस में जब रब करती हैं, ठीक है, ये प्लेट्स जब आपस में रब करती हैं, क्या तो कभी कभी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आउटर और इनर कोर में बहुत हाई टेम्परेचर है, एंड डैट इज़ द रीज़न, इसी रीज़न के कारण क्या आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और ये एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें भी, ठीक है। आपने भूकंप के आप कभी भी देखो, किसी एरिया में अगर आया हो तो आप टीवी पे आप देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स विद इन ए सेकेंड बिल्डिंग्स नीचे आ जाती हैं, गिर जाते हैं, घर टूट जाते हैं, ज़मीन धस जाती है, तो भूकंप आप बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। ये जो अर्थक्वेक होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और अगर ज़्यादा तेज आ जाए, हल्का आ जाता है तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा तेज भूकंप आ जाता है तो जितने भी लैंड पे जितनी भी बिल्डिंग्स है ये सब हैं, सब गिरने लगेगी, जमीन धस जाती है नीचे तक, तो दैट इज़ द रीज़न। और अब आई होप कि तुम लोग को रीज़न समझ में आ गया होगा कि अर्थक्वेक का रीज़न क्या है, ठीक है। तो अर्थक्वेक आने का जो रीज़न है वो है आपकी इनर और आउटर कोर, क्योंकि यहीं पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई है, यहीं पे टेम्परेचर क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, और इनर कोर बहुत स्ट्रांग है, आउटर कोर का टेम्परेचर बहुत हाई है, ये लिक्विड फॉर्म में है, उसके बाद मेंटल की लेयर है, और सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो क्रस्ट की है, जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे सारी दुनिया बसी है, वो कौन सी लेयर है, क्रस्ट की है, ठीक है। तो ये
देखो अर्थक्वेक कैन बी कॉज बाय द फॉलोइंग रीजन। देखो फर्स्ट रीजन जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स प्लेट्स कोलाइड, ठीक है, कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड्स विद व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड, कोलाइड विद ईच अदर, इट कॉजेस ट्रेवलिंग, इट कॉजेस ट्रेवलिंग ऑफ द, इट कॉजेस ट्रेवलिंग ऑफ द, ट्रेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। सो दिस इज अ रीजन, ये टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में कोलाइड होती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इससे एकाएक जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ जो है शेक करने लगती है, ठीक है, ट्रेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। और दूसरा रीजन भी है इसका, सेकंड रीजन है न्यूक्लियर बॉम्बिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शन। एंड वॉल्केनिक लावा जब निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जब न्यूक्लियर बम्स हैं इनके जब हम लोग करते हैं टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो इससे भी जब ये लैंड में आप लोग न्यूक्लियर बम्स की भी टेस्टिंग करते हो तो इससे भी लैंड में क्या है, अर्थ में शेकिंग होती है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन जब लावा बाहर आता है, ठीक है, जो तुम्हारी मैंने अभी बताया तुम्हारा आउटर कोर क्या है वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो लावा बाहर आके निकलने लगता है तो उसके कारण भी शेकिंग होता है, ठीक है। अब देखो स्टेप टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ ए अर्थक्वेक, डोंट पैनिक, ठीक है, हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, आप ओपन स्पेसेस में रन करके चले जाओ, ओपन स्पेस में कभी भी किसी बिल्डिंग के नीचे या ट्री के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, ठीक है, अगर आप अपने घर में फंस गए हो नहीं भागने का टाइम है तो हमेशा कॉर्नर्स पे खड़े हो जाओ, ठीक है, क्योंकि आजकल कैसे घर बन रहे हैं, पिलर्स पे बन रहे हैं, पिलर्स में, तो आप कॉर्नर्स में खड़े हो जाओगे तो भी हो सकता है आप सेफ हो जाओ, या तो आपके घर में कोई ऐसा बड़ा टेबल है जिसके नीचे आप छुप सकते हो, ठीक है, अगर कोई चीज़ ऊपर से गिर भी जाएगी तो टेबल है वो भी सेव कर सकता है आपको। सो दीज आर द स्टेप्स। और जापान में तो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, दैट इज़ द रीज़न वहाँ के लोग, तो उन्होंने क्या किया है इससे बचने के लिए, वहाँ के लोगों ने तो क्या किया है बेटा, वुडन हाउसेस बनाते हैं, ठीक है, पक्के हाउसेस वहाँ लोग बनाते ही नहीं है, वुडन हाउसेस बनाते हैं, ठीक है। सो मूव टू ओपन एरिया, जो मैंने आपको बताया, मूव टू ओपन एरिया लाइक पार्क्स बट नॉट नियर टॉल बिल्डिंग एंड ट्री, टॉल बिल्डिंग और ट्री के अगल बगल नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और मूव टू ओपन एरिया ये सब में जाना चाहिए, ट्री बिल्डिंग्स के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दे कैन फॉल ऑन ड्यूरिंग ट्रीमर्स, जब मान लो शेक पूरी अर्थ शेकिंग ऑफ द लैंड हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग गिर जाए या ट्री फॉल कर जाए तो आप उसके नीचे दब भी सकते हो, तो ऐसी प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, ओपन प्लेसेस पे जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज एंड डोर्स, ठीक है, ग्लास विंडोज और डोर से दूर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मूव आउट टेक शेल्टर अंडर द टेबल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर नहीं आप भाग पा रहे हो तो अगर आपके घर में कोई बड़ा टेबल है तो आप उसके शेल्टर में ले लो, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल और स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ द रूफ, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज सीवर इट मे काज सुनामी नियर द कोस्टल रीजन,
अगर अर्थक्वेक की जो तीव्रता है अगर बहुत ज़्यादा उस पर मैग्नीट्यूड और अर्थक्वेक को ठीक है, अगर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आया है रिक्टर स्केल से पता लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अर्थक्वेक का पता किससे चलता है बेटा? रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल से हम लोग मेज़र करते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा है कि कम है। अगर अर्थक्वेक बहुत की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कोस्टल लाइन एरिया, कोस्टल लाइन एरिया वो एरिया होते हैं बेटा जहाँ पे समुद्र का पानी, सी वाटर लैंड को टच कर रहा होता है, ठीक है। अगर ऐसे एरिया में, कोस्टल एरिया में अगर सुन आ गया है अर्थक्वेक तो इससे इट काज सुनामी। अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इससे सुनामी आती है कहाँ? कोस्टल एरियाज में, ठीक है। द एरिया वेयर द सी वाटर टच द लैंड, ठीक। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद सुनामी ही है, ठीक है। अब देखो सुनामी, ठीक है। अब देखो बेटा सुनामी कैसे आती है। जब ओशंस में सी या ओशन के नीचे वॉल्केनो आ जाता है, ओशन और सी के नीचे जब अर्थक्वेक हो रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है, मतलब अर्थक्वेक कहाँ पे, अर्थक्वेक कहाँ पे आया? जहाँ पे ओशंस हैं, ठीक है। अगर ओशन में अर्थक्वेक आ जाता है तो बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं जिसको सुनामी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ जरा सा आपको बताना भूल गए, उसे बता दें। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक बिलो द सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। और ईपी सेंटर क्या होता है बेटा? एन ईपी सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, और ये वो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक जो है बेटा स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं से अर्थक्वेक क्या होता है? स्टार्ट होता है। अब देखो सुनामी में, सुनामी है हाई वेव्स, सुनामी सुनामी आर हाई वेव्स काज बाई सडन सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट ऑन द बेड ऑफ द ओशन, बेड ऑफ द ओशन ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, सुनामी आती है। सुनामी कैसे आती है बेटा? जब सुनामी आर हाई वेव्स काज बाई सडन मूवमेंट ऑन द बेड ऑफ द ओशन ड्यू टू अर्थक्वेक। अगर समुद्र के नीचे या ओशन के नीचे अर्थक्वेक आ जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ऊंची, जब इतनी तेज हलचल होगी तो इतनी ज़्यादा ऊंची वेव्स आती हैं कि जो कोस्टल लाइन एरिया है वहाँ बहुत नुकसान होता है, बहुत से लोग मारे जाते हैं। एकाएक समुद्र के पानी में इतनी ऊंची ऊंची लहरें आने लगेंगी तो, और उस
वो इतनी ज़्यादा फास्ट होगी उनकी स्पीड, तो कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. मैनी पीपल डाई ड्यू टू दिस सुनामी. ठीक है, और कोस्टल एरिया में जितने भी अगल बगल जैसे भी हाउसेज होंगे वो सारे टूट जाएंगे, बहुत नुकसान होता है. सुनामी आई थी ना एक बार बहुत पहले 2011 में, इस सुनामी स्ट्रक जापान ऑफ एन अर्थक्वेक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 8.8. इट काज ए लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज. बहुत हाई रेट माना जाता है 8.8. ये आया था 2011 में और ये आया था जापान में. ठीक है, सुनामी आई किसके वजह से थी, अर्थक्वेक की वजह से आई थी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था 8.8. इट काज्ड लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और सबसे ज़्यादा जो सुनामी आई अभी तक, सबसे ज़्यादा मतलब जो अर्थक्वेक आया है वो आया आपके पैसिफिक ओशन में. सबसे ज़्यादा जो आया है ये पैसिफिक ओशन में. ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक किस ओशन में आया है, आपके पैसिफिक ओशन में. ठीक है, अब देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट. देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है बेटा, कि जब इस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो कि हम ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में भी नहीं है, तो इस समय बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है इस नेचुरल डिज़ास्टर के समय. सो जैसे देखो नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो सारे देशों ने मिल के हेल्प की थी, क्योंकि वो नेचुरल डिज़ास्टर था, बहुत से लोग मर गए, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज हो गई नेपाल में. सो मैनी कंट्रीज, इवन आवर कंट्री इंडिया आल्सो सपोर्ट नेपाल एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक. ओके, सो सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्या काम होता है. ठीक है, दे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या करते हैं, अपने सिटीज़ के लोगों को अवेयर कराते हैं. ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर से, कि जैसे मैंने फ्लड्स पढ़ाई थी, तो व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक एट द टाइम ऑफ ए फ्लड सारे समझाए थे. फिर उसके बाद मैंने आप लोग को ये बताया क्या कहते हैं अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए सो दैट वी कैन सेव आवर लाइफ. सो दीज थिंग्स क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट. एवरी स्टूडेंट मस्ट बी गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ टू एक्ट इन दिस सिचुएशन. ठीक है, और इस समय सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करते हैं, मेंटेन्स जो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करते हैं वो कौन करते हैं, आपकी लोकल पुलिस भी करती है. जैसे देखो कोरोना लास्ट ईयर से, जब कोरोना फर्स्ट टाइम यहाँ इंडिया में लॉकडाउन लगा था कोरोना का, तो उस समय पूरा सब कुछ जो इवन डिज़ास्टर के समय, अब जो कोरोना के समय सारा कुछ जो पूरे इतने लोगों को कंट्रोल किया, सब कुछ सारा काम कौन कर रहे थे, पुलिस ही कर रही थी. ठीक है, क्योंकि टोटली लॉकडाउन लगा था और सारे लोगों को संभालने का काम कौन कर रही थी, पुलिस ही कर रही थी. ठीक है, सो इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर द लोकल पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. द आर्मी आल्सो हेल्प टू क्लियर द रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ ए कैंप्स. ठीक है, आर्मी भी इसमें आके हेल्प करती है और कैंप्स भी लगाए जाते हैं जो विक्टिम्स, जो विक्टिम्स मतलब होते हैं और जो लोग जिन्होंने अपने घर जिनके टूट गए, डैमेज हो गए, उनकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई, तो ऐसे लोगों के लिए टेम्परेरी होम भी बनाए जाते हैं, उन्हें क्लोज दिए जाते हैं, मेडिसिंस उनकी कराई जाती है, फूड प्रोवाइड कराया जाता है. तो ये सारी चीज़ें
इस समय की जाती हैं, कब? नेचुरल डिजास्टर के समय. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट.